ar-Rahim. Welcome to the first of sixteen sessions that we'll have for statistical process control. Uh, in today's session, uh, we'll discuss uh, four topics. The first topic is definition, purpose, and historical context of SPC. Then some key concepts about SPC. Then we'll uh, quickly try to make a control chart and and get uh, some information out of it and finally we'll close with uh, understanding the benefits of spc some statistical tools and software available and uh, throughout this presentation i'll be sharing some additional resources with you which i would encourage you to read after you go through this video okay so what is spc uh, spc ki definition american society for quality ke Mutabik, uh, hai एप्लीकेशन ऑफ स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स टू कंट्रोल तो अगर आप एस पी सी को एक एक वर्ड को करके देखें तो पहला वर्ड है डेटा प्रोसेस प्रोसेस का मतलब है कि आप कोई काम कर रहे हैं जिसमें कुछ इनपुट्स हैं फिर, uh, है फिर कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी या सर्विस एक्टिविटी होती है जिससे फिर कोई आउटपुट निकलती हैं और फाइनली कंट्रोल का मतलब है कि आप अपने प्रोसेस को ऐसे बैंड में रखना चाहते हैं कि उसकी आउटपुट वो हो जो आपकी मर्जी की हो तो ओवरऑल आइडिया ये है कि आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं चाहे वो प्रोडक्शन में है चाहे वो सर्विस सर्विस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखता है आप चाहते हैं कि उसकी आउटपुट ऐसी हो जो कस्टमर को एक्सेप्टेबल हो या उसको डिलाइट करे Uh, यानी कि आपके पास फिर उससे सक्सेस uh, आए और अल्टीमेटली uh, आपका बिजनेस जो है वो कंपेटिटिव uh, सेंस में दूसरों से आगे हो एस का पर्पस क्या है अब uh, तमाम बिजनेसेस जो होते हैं वो चाहते हैं कि उनके बिजनेस में अनसर्टेनिटी ना हो यानी uh, ऐसी चीजें ना हों जो जिसके बारे में उनको मालूम ना हो क्योंकि जहाँ जहाँ अनसर्टनिटी होती है वहाँ वहाँ पर रिस्क डिवेलप होना शुरू हो जाते हैं और आपकी, आ, आपकी आपके ऑपरेशन आपके कंट्रोल में नहीं रहते और अल्टीमेटली फिर आप रिलेटिवली स्पीकिंग आपका बिजनेस कामयाब नहीं होता तो अनसर्टनिटीज को रिड्यूस करने के लिए बिजनेस बहुत सारे काम करते हैं जैसे सर्विस सेक्टर में आप परफॉर्मर्स बना के रखते हैं इन इन द सिंपलेस्ट सेंस एक परफार्मर ये हो सकता है कि आपके एम्प्लॉज़ सुबह आते हैं और उस पर एंट्री करते हैं कि वो किस वक्त आए हैं और जाते हुए किस वक्त जाएंगे फिर इस तरह आप कस्टमर से रिलेटेड परफार्मेंस रखते हैं फिर इस तरह आप डेटा कलेक्शन से मुख्तलिफ रिलेटेड परफार्मेंस रखते हैं फिर हम लोग फोरकास्ट करते हैं कि हमें पता चले कि हमने एक महीने में कितनी प्रोडक्शन करनी है फिर उसको वर्किंग डेज पर डिवाइड करके एक दिन में कितनी प्रोडक्शन करनी है उससे हमें पता चलता है कि हमें मुख्तलफ एरियाज़ में कितने रिसोर्सेज चाहिए जिसको हम प्रोडक्शन प्लानिंग कहते हैं यानी कि एम्प्ल uh, कितने चाहिए होंगे मुख्तलिफ़ शिफ्ट में रॉ मटीरियल कितना चाहिए होगा अगर रॉ मटीरियल को हैंडल करने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट चाहिए विद इन द फैक्ट्री और आउटसाइड वो हमें कितनी चाहिए होगी एंड सो ऑन तो हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिससे हमें अनसर्टनिटी से हमारी जान छूटे और हमें पता हो कि हमारा बिजनेस क्या प्रोड्यूस करेगा और कितना प्रोड्यूस करेगा और कब प्रोड्यूस करेगा जब आप अनसर्टेनिटीज को ख़त्म करते हैं तो उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल रिस्क मिटिगेशन हो जाती है यानी जब आपको पता नहीं था कि क्या है तो रिस्क थे तो अब जब आपको पता चलना शुरू हो गया है और अच्छी आपके कंट्रोल में हैं तो अब उन रिस्क को आप ख़त्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं या किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है क्योंकि आपको पता होता है कि किस वक्त आपको कितना कैश फ्लो चाहिए और कि किस वक्त कितना कैश फ्लो आपको मिलेगा इसी तरह ऑपरेशनल एफिशेंसी आती है आपको अपनी एचआर का पता होता है आपको अपने रिसोर्स का पता होता है कि मुख्तु जगहों पर कितने चाहिए हैं और आउटपुट uh, कितनी होगी मुख्तफ जगहों से आपका कस्टमर सेटिसफाइड होता है क्योंकि आप उसको टाइम पे और उन लिमिट्स के अंदर बनी हुई चीज़ देते हैं जो उसको चाहिए होती हैं जैसे फॉर एक्ज़ाम्पल आप अगर दूध के डब्बे बेच रहे हैं तो आपके डब्बे में हमेशा एक लीटर दूध ही होगा और जब कस्टमर को चाहिए होगा उस वक्त अवेलेबल होगा और उस क्वालिटी स्टैंडर्ड के मुताबिक होगा जो आपने अपने आ, बॉक्स पे लिखा हुआ होगा तो इस इस सब चीज़ों से आपको कंपेटेटिव एडवांटेज मिलता है यानी जो लोग नहीं कर पाते हैं ये चीज़ें और आप कर पाते हैं तो आप बिज़नेस में उनसे आगे होते हैं इन्वेस्टर को आपके ऊपर कॉन्फिडेंस होता है जिन लोगों ने पैसे लगाए होते हैं आपके बिजनेस में चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज में हो या किसी भी और तरह से कि हम एक आ, ऐसे बिजनेस में हमने पैसे लगाए हैं जिसको अपने प्रोडक्शन के ऊपर कंट्रोल है आप रेगुलेटरी कम्पलाइंस कर सकते हैं ये बहुत सारे बिजनेस होते हैं जिनको डेटा से रिलेटेड नॉर्मली इस तरह की चीज़ें होती हैं या जहाँ पे इन्वामेंटल डैमेज का ख़तरा होता है तो वहाँ पे बहुत सी बॉडीज़ होती हैं जो चाहती हैं कि आप सर्टेन स्टैंडर्ड्स के अंदर काम करें तो आप स्टैंडर्ड्स के अंदर तभी काम कर सकेंगे जब आपका अपने प्रोसेस के ऊपर कंट्रोल होगा <coughs> इसी तरह सप्लाई चेन आपकी यानी आपसे पीछे लोग जो आपको रॉ मटेरियल देते हैं पर आपके बाद के लोग जो आपसे आपकी प्रोडक्ट खरीदते हैं आपको पीछे वालों को पता होगा कि वो आपको कब कितना और किस स्टेट में प्रोवाइड करेंगे और आपके आगे वालों को पता होगा कि आप उनको कब कितना और किस स्टैंडर्ड के मुताबिक प्रोवाइड करेंगे इसी तरह जब आप अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करते हैं तो आप इनोवेशन और ग्रोथ भी कंट्रोल uh, करते हैं कंट्रोल इन सेंस कि इनोवेशन इट्स कंट्रोल्ड अनसर्टेनिटी होती है फॉर एग्जाम्पल आपका एक uh, फार्म है जिसमें आपने एक हजार एनिमल रखे हैं। और आप उनको सर्टन खाना दे रहे हैं तो हो सकता है कि कि आप एक दिन फैसला करें कि हम इन दस जानवरों को अलग करके इनको एक नया खाना देंगे एक नया अनाज डालेंगे और देखेंगे इनका वजन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता तो इसको हम कंट्रोल्ड अनसर्टनिटी कहते हैं और ये आप तभी कर सकते हैं जब आपको ऑलरेडी कंट्रोल होगा खाने के ऊपर कि आपके जानवर कितना खाना खा रहे हैं इसी तरह आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर सकेंगे कि साल बाद दो साल बाद तीन साल बाद आपकी ग्रोथ कैसी होगी आप किन किन मजीद एरियाज में वेंचर करेंगे आपकी रेपुटेशन बनेगी क्योंकि आपका अपने प्रोसेस पे कंट्रोल है एंड वुड नो कि जब मैं इनसे प्रोडक्ट लूंगा या इनसे सर्विस लूंगा तो वो मुझे एक सर्टन स्टैंडर्ड के मुताबिक मिलेगी आपके एम्प्लॉयज का मोरल भी हाई होगा क्योंकि उनको भी पता होगा कि वो जब सुबह एक जगह पर काम करने आते हैं तो देन ओ वट्स डेज जॉब वो Uh, उस दिन वो काम करेंगे और आखिर में uh, दिल गठ देर भेजे और वो चले जाएंगे हफ्ता महीना जिस जिस तरह भी आप उनको भेज देते हैं लेकिन अगर वो आएंगे और उनको पता नहीं होगा कि आज क्या करना है किस स्टैंडर्ड के मुताबिक करना है तो शाम को जब वो काम करेंगे तो उनसे पूछा जाए उन हो सकता है आप उनसे कहें तुमने कितना काम किया और क्यों किया और कैसे किया तो उनका जवाब और आपका जवाब मुख्तलफ होगा क्योंकि ना ना आपने उनको स्टैंडर्ड दिए ना उनको पता थे ना उसके मुताबिक वो काम कर सके और फाइनली सस्टेनेबिलिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी Uh, आ, आजकल सी एस आर से रिलेटेड इन्वामेंटल प्रोटेक्शन ईशूज से रिलेटेड उन फ्यूल्स को इस्तेमाल करने से रिलेटेड जो कि इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल हो बड़ी सेंसिटिविटी है सोसाइटी uh, में तो आप इन चीज़ों को भी तभी एड्रेस कर सकते हैं जब आपका अपने प्रोसेस के ऊपर कंट्रोल होगा तो बेसिक पर्पज़ एस पी सी का ये होता है कि आपका अपने प्रोसेस के ऊपर कंट्रोल हो दस थर्ड पार्ट ऑफ एस पी सी थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्ट का देखते हैं सबसे पहले शेवाट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज में कंट्रोल चार्ट को यूज किया था उनका डेटा लेके तो उसके बाद से मुख्तफ फिर वो एक्सपेरिमेंट करते रहे और एग्जैक्टली नाइनटीन ट्वेंटी फोर में तो नहीं लेकिन काफ़ी अर्से बाद उसके फिर कंट्रोल चार्ट काफ़ी हद तक इंडस्ट्री में यूज़ होना शुरू हो गए वर्ल्ड वॉर टू में uh, जब uh, अमरीका ज़ाहिर है वो ख़ुद अपने ट्रूप्स को भी और uh, जो एयलाइज थे उनके ट्रूप्स को भी बहुत सारी चीज़ें सप्लाई करता था अमेरिका तो uh, वहाँ पे उन्होंने बहुत अरसा सप्लाई की विदाउट एनी क्वालिटी कंट्रोल या स्टेटस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल तो उनको बहुत सारे इश्यूज आए जिस पे फ़ैसला किया गया विद इन दैट टाइम यानी वर्ल्ड वार के दौरान ही कि हम एस यूज़ करेंगे तो उन्होंने एस यूज़ किया तो आ, उनको आ, खातिर ख्वाह प्रोडक्टिविटी में फ़ायदा हुआ और जब फ़ायदा हुआ ऑब्वियसली जब इस तरह के बड़े इवेंट में आ, न, कोई चीज़ अपने आप को प्रूव करवाती है तो फिर वो उसको इंडस्ट्री भी अडॉप्ट करती है और सारी दुनिया भी अडोप्ट करती है तो यहाँ भी यही हुआ कि फिर वर्ल्ड वार टू के बाद यूके ने बहुत एग्रेसिवली एस को अडोप्ट किया और मुख्त जगहों पर क्वालिटी की ऑर्गेनाइजेशन बनना शुरू हो गई पहले यू के और यू एस में बनी फिर उसके बाद यू एस नहीं जापान में भी बनाई जापान पर काफ़ी कंट्रोल था यू एस का वर्ल्ड वॉर टू के बाद तो जापान में डेमिंग जो कि बेसिकली अमेरिकन थे और इशिकाबाद वो एक जैपनीज़ थे प्रोफेसर दोनों इन लोगों ने क्वालिटी कंट्रोल की याल प्रोसेस कंट्रोल की एक एक मूवमेंट को वहाँ पे हेड किया जो कि इस एरिया को डेवलप भी कर रही थी और लोगों को एजुकेट भी कर रही थी और फिर अल्टीमेटली ये दोनों फिर दे आर थॉट ऑफ एज द फादर्स ऑफ द वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस दैट सॉफ्ट फ्रॉम जापान फिफ्टीज में सिक्सटीज में सेवेंटीज में एटीज में तो एस क्यू सी ऑबियसली फिर uh, अब आप जैसा आप में से जो लोग इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं स्पेशली प्रोडक्शन इंडस्ट्री में दिन ओके okay, अब इट्स नॉम हर जगह इस्तेमाल होती है पाकिस्तान में 1996 में सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन इस्टबलिश हुई थी पी एस क्यू सी ए पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरटी कराची में इस्टबलिश हुई थी अब इसके मुख्तिक जगहों पर रहे हैं और ये काफ़ी एरियाज़ में काम करते हैं बेसिकली स्टैंडर्डाइजेशन के एरियाज़ में आपने आप बहुत सारी प्रोडक्ट्स पे इनके स्टैप्स भी देखे होंगे कि इन्होंने इस सर्टन प्रोडक्ट को सर्टिफाई किया हुआ है इसी तरह पाकिस्तान में एक और पब्लिक सेक्टर में तो पी एस क्यू सी ये था लेकिन प्राइवेट सेक्टर में पी आई क्यू सी के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल जो मुख्त मबर्स हैं मुख्तलफ ग्लोबल क्वालिटी इनिशवस के या बॉडीज़ के जैसे अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्वालिटी से फिलेटेड हैं वो एशियन क्वालिटी की जो सोसाइटी है उससे एफिलेटेड एंड सो ऑन तो पाकिस्तान में भी बहुत एरियाज में बहुत स्ट्रॉग काम हुआ नाइनटीन नाइनटीज के बाद क्वालिटी से रिलेटेड और स्टेटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल से रिलेटेड अब एस पी सी ओवर दवॉल्व इन टू ब्रॉडर कॉन्सेप्ट और बहुत सी जगहों पर अब एस पी सी उन ब्रॉडर एरियाज में अप्लाई होती है जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने टर्म सुनी होगी सिक्स uh, सेगमा अब सिक्स सिग्मा जो है वो इट इट कैपिटलाइज ऑन एस पी सी और एक बहुत ही एक मॉडर्न शक्ल की सोल्यूशन uh, आपको देते हैं प्रोसेस uh, कंट्रोल का और प्रोसेस इम्प्रूवमेंट का इसी तरह uh, बहुत सारी जैपनीज टेक्निक्स हैं जिनमें एस पी सी uh, इस्तेमाल होता है आपने मुख्तलिफ के नाम सुने होंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम वो हैवीली रिलाई करता है वो एस पी सी के ऊपर इसी तरह हॉशन कानरी के नाम से एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टूल है जो कि स्टैट्स पे फिगर्स पे डेटा पे बहुत रिलाई करता है इसी तरह बैलेंस स्कोर कार्ड के अंदर परफॉर्मेंस मेजरमेंट स्टैट्स के बेस्ड पे होती है बेस पे होती है तो बहुत सारे टूल्स जो हैं वो अब अब इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं जो बेसिकली एस के ऊपर बेस्ड हैं और एस का जो एक कह लें कि एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है जिसको हम कहते हैं कंट्रोल चार्ट वो फिर जगह जगह इस्तेमाल होते हैं इन सब चीज़ों में जिनके हमने नाम लिए